सुंदरगढ़ की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज नामांकन कराया। हाजी चांद बाबू मलिक ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी से अपना नामांकन कराकर बाहर निकले। प्रत्याशी ने कहा कि उन पर भरोसा जताया है, जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही कहा कि जनता के लिए हमेशा काम करेंगे, जीतने के बाद जनता के बीच रहकर ही क्षेत्र का विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की विधानसभा कुंदर की सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सभी प्रत्याशियों ने अपना दावा सीट पर ठोक दिया है। हालांकि अभी तक अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी और ओवैसी ने अपने प्रत्याशी जनता के बीच उतार दिए हैं। इसी क्रम में आज आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हाजी चांद बाबू मलिक ने अपना नामांकन करा दिया है। मीडिया से बात करते हुए जनता पर भरोसा जताया तो वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आभार जताया। आज आप नामांकन के लिए पहुंचे हैं, किस तरह का तजुर्बा रहा? नामांकन के लिए पहुंचे थे, नामांकन हमने कर दिया है। जी कौन सी पार्टी से किया है? आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी। क्या प्रयास रहेंगे अब आप? प्रयास रहेंगे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे भरोसा जताया है, उस अपने भरोसे पर कायम रहूंगा और विश्वास दिलाता हूँ उन्हें कि कुंदर की जनता मुझे जरूर प्यार देगी। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जिसकी भी होगी हमसे होगी। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप चुनाव मैदान में लेकर? मुद्दे हैं चुनाव, जो हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है, या स्वास्थ्य का मुद्दा है, या शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, और एक हमारे यहाँ से रामगंगा नदी बहती है जो हर साल लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है, एक गागन नदी बहती है जो पुलिया नहीं बन पाई है, उस पर रोडों की स्थिति बहुत बुरी है, शिक्षा में बहुत पीछे है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए बना हुआ, यही हमारी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा होना है क्या? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 तारीख को आ रहे हैं मुरादाबाद, एक रैली का प्रोग्राम है हमारा, उसकी हम तैयारी में सब लोग लगे हैं।